थर्ड वीक के लिए एचपीएससी मॉक टेस्ट, म्यूनिसिपल ऑफिसर बीपीएस 17, टाउन ऑफिसर बीपीएस 17, बीपीएस 16. वेलकम इन जीके फोरम द हाउस ऑफ नॉलेज एंड टेस्ट प्रिपरेशन एंड इट्स मी मंसूर अहमद सोहाग. यू आर वॉचिंग मॉक टेस्ट म्यूनिसिपल ऑफिसर एंड टाउन ऑफिसर. काइंडली हम मॉक टेस्ट जो हमारी वीकली, हम हर संडे पे मॉक टेस्ट बनाते हैं. आज हमारी थर्ड वीकली मॉक टेस्ट है म्यूनिसिपल ऑफिसर एंड टाउन ऑफिसर के लिए. आप अपने पास पेज एक जो ना रखें, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक 50 एमसीक्यूज है इसमें. वो 50 आप जो ना वहाँ पे लिख दें और फिर हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे. जो क्वेश्चन है उनके सामने जो आपको राइट आंसर लगे वो आप वहाँ पे ऑप्शन लिखते जाए. लास्ट में हम आपको आंसर की दिखाएंगे, फिर आप आंसर की से मैच करके और अपना स्कोर निकाल लेना कितने आपकी मार्क्स बनती है. 50 एमसीक्यूज है, एक एमसीक्यूज पे 2 मार्क्स है और एक गलत एमसीक्यू रॉन्ग आंसर पे 0.5 डिडक्शन है. ये टेस्ट 9 जनवरी 2022 आज संडे के दिन ली जा रही है. आज सबसे पहले हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि द मैनेजर डैश द रिसीप्ट ऑफ माय लेटर प्रॉम्प्टली. ऑप्शंस आर एक्सेप्टेड, बी रियलाइज, सी रिकॉग्नाइज, डी एक्नॉलेज. अब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो ना यहाँ पे आज जो मैनेजर के पास यहाँ पे डैश पे लगेगा वो आपने ऑप्शन टिक कर देना है अपने पास. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट सेंटेंस. सेंटेंस करेक्ट करना है हमें, ही गॉट अप एंड रन टू द डोर. ही गॉट अप एंड रन टू द डोर. अब ये गलत है या सही है? ये चार ऑप्शन से, ऑप्शन ए ही गॉट अप एंड रन टू द डोर, ऑप्शन बी ही गेट्स अप एंड रन टू द डोर, ऑप्शन सी ही गॉट अप एंड विल रन टू द डोर, ऑप्शन डी ही गॉट अप एंड रन टू द डोर. अब ये राइट आंसर यहाँ पे कौन सा है करेक्ट सेंटेंस वो आपने अपने पास नोट कर देना है. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं. सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय. ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी गैलीलियो, सी कॉपरनिकस, डी प्लेटो. कौन सा राइट आंसर है वो आप नोट डाउन कर लेंगे अपने पास. क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक. डेथ इज प्रेफरेबल डैश डिसऑनर. अब यहाँ पे डेथ इज प्रेफरेबल ऑप्शन से कौन सा लगेगा? ऑप्शन ए देन, टू, फ्रॉम और ऑफ. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं. ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, पेन सेडेटिव. अब इनमें रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है और नीचे जो ऑप्शंस दिए गए उनमें से एक ऑप्शन में जो ना सेम रिलेशनशिप है वो आपने, कौन सा सेम रिलेशनशिप नीचे एनालॉजी में वो आपने आइडेंटिफाई करके और अपने पास टिक करना है आंसर. और इसमें एनालॉजीज पे मैं अलग से जो ना यहाँ पे लेक्चर बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं एनालॉजीज के और किस किस तरीके से हम रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनालॉजीज में और हम जो ना वहाँ पे पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं. चूज करेक्ट एनोलॉजी ऑफ आर्चीव डॉक्यूमेंट. अब आर्चीव एंड डॉक्यूमेंट में जो रिलेशनशिप आपने आइडेंटिफाई करना है, सेम रिलेशनशिप नीचे ऑप्शंस में एक ऑप्शन में मौजूद है वो आपने ऑप्शन जो ना टिक करना है. क्वेश्चन नंबर 7, टोकेज टार्टर मीन्स. ये इडियम है. अब इसकी मीनिंग जो ना आपने बतानी, जो राइट आंसर है वो आपने टिक करना है. ऑप्शन ए है to trap wanted criminal with great difficulty, b to catch a dangerous person, c to meet with disaster, option d to deal with a person who is more than one's match. ab right answer kaun sa hai, is idiom ki meaning kaun si hai wo aapne check karna hai. next chalte hain hum question number 8 ki taraf. complete the proverb. ye bhi like idiom hi hai. you can lead a horse to water but you cannot make him dash. अब देश में कौन सा लगेगा? ड्राउन लगेगा, ड्रिंक लगेगा, डांस लगेगा या राइड लगेगा? अब ये राइट आंसर बताना है. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं. द नियरेस्ट वर्ड ऑफ कनेश्वर बियरिंग सिमिलर मीनिंग इज. यहाँ पे कनेश्वर का सिनोनिम पूछ रहा है. ऑप्शन ए लवर ऑफ आर्ट, ऑप्शन बी इग्नोरेंट, ऑप्शन सी स्टबर्न, ऑप्शन डी वायोलेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट. यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं. एग्रेंडाइज वर्ड है. एग्रेंडाइज जो ना वो इनकरेज करना होता है किसी को कि वो जो ना क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म करे, किसी को हमथाना होता है टुवर्ड्स नेगेटिविटी. अब यहाँ पे आपने जो ना करेक्ट स्पेलिंग, हम चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन में करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी 3 ऑप्शन में जो ना वो गलत स्पेलिंग लिखी हुई है. आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऑप्शन में राइट स्पेलिंग जो ना एग्रेंडाइज की लिखी हुई है वो आपने टिक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड इज. विंबलडन, बी फ्रेंच ओपन, सी ऑस्ट्रेलियन ओपन, डी यूएस ओपन.
कौन सा राइट आंसर है वो आपने टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर गेव बर्थ वाइल इन ऑफिस। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सा सेकंड प्राइम मिनिस्टर था जिसने, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर था तो अपने ऑफिस दौरान, जॉब के दौरान जो ना वो अपने चाइल्ड को जो ना वो बर्थ दी थी। तो उसमें ऑप्शन बेनजीर भुट्टो है, जेसिंडा आर्डन है, हेनरी क्लिंटन है, नन ऑफ दीज। अब किसने ये जो चाइल्ड को बर्थ दी थी ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप, वो आपने राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, फॉकलैंड आइलैंड्स या आर मलवांस आइलैंड्स, फॉकलैंड आइलैंड्स या मलवांस आइलैंड्स, आइलैंड्स के दो नाम है, आर डिस्प्यूटेड बिटवीन यूके एंड यूनाइटेड किंगडम एंड दूसरा कंट्री है जिसके बीच में आइलैंड्स पे डिस्प्यूट चल रहा है वो आपने बताना है। तो वो दूसरा कंट्री कौन सा है, फ्रांस है, रशिया, अर्जेंटीना और बेलारस। क्वेश्चन नंबर 14, यूथान वाज द फर्स्ट यूएन जनरल सेक्रेटरी फ्रॉम एशिया, तो विच कंट्री डिड ही बिलोंग। अब यूएन यूनाइटेड नेशंस का जो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी था वो ट्राइगिव ली थे। अगर क्वेश्चन में कहीं भी आ जाए कि फर्स्ट यूएन जनरल सेक्रेटरी, तो वो ट्राइगिव ली थे। और अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे यूथान जो है ना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट एशियन यूएन जनरल सेक्रेटरी, एशिया से कौन सा था पहला यूएन का जनरल सेक्रेटरी, तो वो यूथान था। यहाँ पे क्वेश्चन में उसने बता दिया है। अब पूछ रहा है कि जो यूथान था एशिया का, वो एशिया के कौन से कंट्री से बिलोंग करता था, किस कंट्री का था, इधर थाईलैंड का था, बर्मा का था, श्रीलंका था या चाइना का था, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन अलेक्जेंडर केम हु वाज द रूलर ऑफ पंजाब, जब अलेक्जेंडर ने जो इस वक्त पाकिस्तान की ये टेरिटरी है उस वक्त जो ना यहाँ पे सब कंटिनेंट में जब अलेक्जेंडर ने यहाँ पे आया था सिकंदर आजम, तो जो ना पूछ रहा है कि पंजाब का उस वक्त कौन सा जो ना वो बादशाह था, कि राजा टोडोरमल, राजा पोरस, राजा डोगरा और अशोका, अपने राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं हम, द नेम ऑफ लोअर हाउस ऑफ रशियन फेडरेशन लेजिस्लेशन, रशियन फेडरेशन जो रशिया है, रशिया के लोअर हाउस का नाम यहाँ पे पूछ रहा है, जैसे पाकिस्तान में हमारा अपर हाउस सेनेट है और लोअर हाउस नेशनल असेंबली है, तो लाइक वाइज जो रशिया है उस रशिया में अपर हाउस का नहीं पूछ रहा, लोअर हाउस का पूछ रहा है कि लोअर हाउस जो है रशिया का उसका नाम क्या है, इधर सुप्रीम सोवियत, फेडरेशन काउंसिल, स्टेट डुमा और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, राइट आंसर आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, बीआरटी स्टैंड फॉर, बीआरटी जो इसमें जो ये बीआरटी मंसूबा आप शहर में बनाया हुआ है, अब वो बीआरटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि इधर वो कौन सा है, ब्लू रैपिड ट्रांसपोर्ट, बी ऑप्शन बेस्ट रोड ट्रांसपोर्टेशन, सी बस रैपिड ट्रांजिट, डी बस रोड ट्रांजिट, राइट आंसर आपने टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, द अपेक्स इलेक्टेड बॉडी इन इसराइल इज कॉल्ड, अपेक्स इलेक्टेड बॉडी इन इसराइल इज कॉल्ड, ऑप्शन ए पार्लियामेंट, बी कांग्रेस, सी नेसेट, डी बाथलिंग, राइट आंसर आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम चलते हैं, जिनाह बाग लोकेटेड इन लाटकाना सिंध, इट्स ओल्ड नेम बाग, अब जिनाह बाग जो लाटकाना में है उसका पुराना नाम कौन सा है, ओल्ड नाम वो पूछ रहा है, ऑप्शन से दास गार्डन, ऑप्शन बी तजर बाग, ऑप्शन सी ज्ञान बाग, ऑप्शन डी लाटकाना बाग, आपने राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, आर्टिलरी वाज यूज फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय, ये आर्टिलरी सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसने यूज की थी इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में, इधर बाबर ने यूज की थी, शेरशाह सूरी, टीपू सुल्तान और अकबर, कौन से किसने यूज की थी वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चा खान, बादशाह खान एंड फ्रंटियर गांधी वर द सरनेम्स ऑफ, ऑप्शन से डॉक्टर खान साहब, ऑप्शन बी अहमद खान, ऑप्शन सी गफार खान, ऑप्शन डी मुजीबुर रहमान, अब किसके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये अलग अलग से जो ना पूछा जाता है क्वेश्चन से, मैंने तीनों यहाँ पे साथ में लगा दिए हैं आपकी आसानी के लिए, जैसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर ले कि बच्चा खान किसको बुलाते थे, या बादशाह खान किसको बुलाते थे, या फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता था, ये ऑप्शन से आपने राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, लाइफ इज एब्सेंट ऑन मून ड्यू टू लैक ऑफ, ऑप्शन से कार्बन, हाइड्रोजन, वाटर और नाइट्रोजन, किसकी ना होने की वजह से जो ना वो जिंदगी नहीं है मून पे, चांद पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, हयात जावेद ऑन द लाइफ ऑफ सर सैयद अहमद खान वाज रिटन बाय नजीर अहमद, ऑप्शन बी अल्ताफ शेख, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान इटसेल्फ और ऑप्शन डी अल्ताफ हुसैन हाली, किसने लिखा है जावेद हयात जावेद बुक वो पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, टायर्डनेस इज फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स बिकॉज ऑफ, ऑप्शन ए हाई टेम्परेचर, ऑप्शन बी लो टेम्परेचर, ऑप्शन सी
लो प्रेशर आउटसाइड द बॉडी, ऑप्शन डी हाई प्रेशर आउटसाइड द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 25, द फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड इन अर्जेंटीना, जर्मनी, कतर और रशिया, कहाँ पे होगा वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, कृचमीर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज रेंज, कराकरम रेंज, हिंदुकश रेंज और सुलेमान रेंज, ये कौन सी रेंज की हाईएस्ट पीक है कृचमीर, वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम चलते हैं, सखर मुल्तान मोटरवे M5 कंप्राइजेज ऑन हाउ मेनी किलोमीटर, ये सखर मुल्तान जो मोटरवे बना हुआ है, रिसेंटली बना है, कम्प्लीट हुआ है, अभी जो ना वो रनिंग में है, ये पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर का ये मोटरवे है। ऑप्शन ए 540 किलोमीटर, ऑप्शन बी 420 किलोमीटर, ऑप्शन सी 360 किलोमीटर, ऑप्शन डी 392 किलोमीटर, ये आपने बताना है कि कितने किलोमीटर जो ना ये मोटरवे है। और इसमें ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये मोटरवे जो ना इसमें 6 लाइंस का जो ना मोटरवे है, 6 लाइंस है इसमें। अब किलोमीटर्स आपने जो ना यहाँ क्वेश्चन में बताने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्टेड, जब पार्टीशन हुई थी इंडिया एंड पाकिस्तान की, उस वक्त जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो कितनी थी। ऑप्शन ए 502, 530, 562 और 732। क्वेश्चन नंबर 29, निजामे मुस्तफा मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1972, 1975, 1977 और 1979, राइट आंसर आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं, ए फॉर्म ऑफ रिटन लैंग्वेज फॉर ब्लाइंड पीपल इज नोन एज, ऑप्शन ए ब्रेले, ऑप्शन बी एलिसियम, ऑप्शन सी एपिक्योर, ऑप्शन डी अर्सन, राइट आंसर आपने टिक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं, द फर्स्ट वुमेन सीजी चीफ जस्टिस फॉर बलूचिस्तान हाई कोर्ट इज ताहिरा सफदर, ताहिरा सारा, सायरा ताहिर और गुलशन बेगम। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इस्लामिक कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन सेकंड इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट लाहौर इन 1974, जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये इनिशिएटिव था और उसने यहाँ पे ओआईसी की जो ना समिट हुई थी यहाँ पे, सेकंड ओआईसी की समिट लाहौर में हुई थी 1974 में। ये पूछ रहा है कि उस वक्त समिट में कितने जो ना हेड्स ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, कितने कंट्रीज ने जो ना पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 55, राइट आंसर आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 33, सब्सटेंस यूज्ड इन मैच स्टिक्स, जो माचिस की जो स्टिक्स होती है उसमें जो सब्सटेंस यूज होता है जो जलता है, वो कौन सा सब्सटेंस यूज होता है माचिस की इसमें स्टिक्स में। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी एसिड, ऑप्शन डी फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 34, द ओनली विटामिन व्हिच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के और नन ऑफ डी, ये पूछ रहा है कि एक ओनली एक विटामिन है जो ह्यूमन बॉडी में हम स्टोर नहीं कर सकते, वो कौन सी है वो आपने बताना है। अगर आप समझ रहे हैं कि ऐसी कोई विटामिन नहीं है जो हम ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, तो आप नन ऑफ डी टिक करें। क्वेश्चन नंबर 35, द मोस्ट स्लीपीएस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड Which sleeps about 22 hours out of 24. 24 घंटों में से वो 22 घंटे सोया हुआ होता है, बड़ी बात है। अब ये कौन सा एनिमल है आपने बताना है। ऑप्शन ए स्क्वायरल, ऑप्शन बी टाइगर, ऑप्शन सी पैथन, ऑप्शन डी कोला, राइट आंसर आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं, इफ वी एड ऑल द 7 कलर्स ऑफ रेनबो, जो रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, वायलेट और इंडिगो, इन सातों कलर्स को अगर हम आपस में ऐड कर ले, मिला ले, द रिजल्टेंट कलर वुड बी, तो कौन सा जो ना वो रिजल्टेंट कलर होगा, कौन सा जो सातों कलर्स को हम एक साथ मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा हमारा। ऑप्शन ए व्हाइट, ऑप्शन बी ब्लैक, ऑप्शन सी मैरून, ऑप्शन डी डार्क ब्लू। क्वेश्चन नंबर 37, बैटरी वाज इन्वेंटेड बाय, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए निकोलस कार्नोट, ऑप्शन बी अलेक्जेंड्रो वोल्टा, ऑप्शन सी माइकल फराडे, ऑप्शन डी फ्रेडरिक बेसिल। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच सिटी इज ऑन द बॉर्डर ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान प्रोविंस, देखिए एसपीएससी की लास्ट टाइम में टेस्ट थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे कौन सा सिटी है, वो कश्मीर था। अब मैंने इस टेस्ट में ये क्वेश्चन जो ना दे दिया है कि व्हिच सिटी इज ऑन द बॉर्डर ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, सिंध एंड बलूचिस्तान के बॉर्डर पे कौन सी सिटी है। ऑप्शन से ऑप्शन ए सिब्बी, ऑप्शन बी उस्ता मोहम्मद, ऑप्शन सी गढ़ी फेरो, ऑप्शन डी लारकाना, आपने राइट आंसर टिक करना है।
क्वेश्चन नंबर 39 शाह जी तकरीर तो बाफ आदम शाह कलोड़ो इज एट खुदाबाद दादू किला हैदराबाद उमरकोट और सखर ये कौन से शहर में शाह की शाह जी तकरीर कड़े शहर में आए वो तुम्हें खुदाबाद दादू में आए या किला हैदराबाद वाले किले में आए या उमरकोट में आए या सखर में आए। क्वेश्चन नंबर 40 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर सब डिवीजन ऑफ द बायोस्फीयर ऑप्शन ए हाइड्रोस्फीयर ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर ऑप्शन सी लिथोस्फीयर ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। क्वेश्चन नंबर 41 द केस ऑफ सिंध बुक इज रिटन बाय जी एम सैयद बी रसूल बख्श कलीजो सी अमर जलील डी मिर्जा कलीजबेग। क्वेश्चन नंबर 42 द केमिकल दैट इज यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल रेन इज जो आर्टिफिशियल रेन जो ना हम बनाते हैं तो वो कौन से जो ना केमिकल से बनती है ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड ऑप्शन बी सिल्वर नाइट्रेट ऑप्शन सी सिल्वर क्लोराइड ऑप्शन डी सिल्वर नाइट्रेट नाइट्राइट। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं द सेलेस्टियल बॉडी दैट अफेक्ट्स टाइड्स ऑफ ओशन इज सन है मून गैलेक्सी और मेटेराइट्स कौन सा ऑप्शन है राइट वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं द इसराइल यूएई पीस एग्रीमेंट इज नोन एज देश अकार्ड ऑप्शन ए इब्राहिम अकार्ड ऑप्शन बी जेकब अकार्ड ऑप्शन सी पीस इन प्रोग्रेस अकार्ड ऑप्शन डी एक्सेप्टेंस इन फॉरवर्ड अकार्ड। जो इसराइल यूएई ने पीस एग्रीमेंट किया था यूएसए की जो ना मेडिएशन के साथ और फिर यूएई ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था एज ए कंट्री। क्वेश्चन नंबर 45 हु वन द पीएसएल फाइनल 2021 कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड पिशावर जलमी मुल्तान सुल्तान अभी तो जनवरी 27 से पीएसएल 2022 भी जो स्टार्ट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 46 नगोर्नो कराबख इज द टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑप्शन से टर्की एंड सायरिया ऑप्शन बी टर्की एंड ग्रीस ऑप्शन सी आर्मेनिया एंड अजरबैजान ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। क्वेश्चन नंबर 47 पाकिस्तान नीड्स डैश वोट्स फ्रॉम फेटफ मेंबर्स टू एग्जिट फ्रॉम ग्रे लिस्ट अब जैसे कि पाकिस्तान जो ना फेटफ की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है उसकी जो ना ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है अब ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान को कितने वोट्स चाहिए उस ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए ऑप्शन ए 6 वोट्स ऑप्शन बी 12 वोट्स ऑप्शन सी 16 वोट्स ऑप्शन डी 3 वोट्स। क्वेश्चन नंबर 48 एजे के आधा जम्मू कश्मीर फर्स्ट वुमेन रन पुलिस स्टेशन ओपन्ड इन नीलम वैली मुजफ्फराबाद कोटली और रावलाकोट ये फर्स्ट जो ना वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया गया है आजाद कश्मीर में वो पूछता है कि कौन से शहर में आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर ओपन्स इन व्हिच सिटी लाहौर कराची इस्लामाबाद और रावलपिंडी। क्वेश्चन नंबर 50 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉक टेस्ट who offer the funeral prayer of Dr. Abdul Kalam Khan, AQ Khan. Option A, Maulana Tariq Jamil. Option B, Professor Dr. Ahmad Al-Ghazali. Option C, Maulana Fazlur Rahman. Option D, Nanna Mufti. हमने right answer बताना है और अभी हम जो ना आगे अब move करेंगे before moving to answer की this is our proud publication, best ever guide of our SPSC test preparation and extensive guide for SPSC municipal officer and town officer के लिए specially design की गई है अभी जनवरी 2022 में हमने launch की है। ये book आप जो ना purchase कर सकते हैं by contacting on 0313-03555 यहाँ पे contact कर लें या ने WhatsApp करें और आप जो ना आपको information मिल जाएगी। इस book की 700 price है और 150 रुपये courier के charges हैं total 850 रुपये की ये book है। आप 850 रुपये आप payment करके इस number पे रब्ता करके और आप बुक घर बैठे अपनी एड्रेस पे बुक मंगवा सकते हैं थ्रू IMNP कोरियर सर्विस या TCS। अभी ये आंसर की आज की जो टेस्ट थी उसकी ये आंसर थी यहाँ पे आपने सारे क्वेश्चंस जो ना 1 to 50 आपने अटेम्प्ट कर लिए ऑप्शंस। अब यहाँ पे जो ना वीडियो को पास करके ये आंसर की से जो ना अपने क्वेश्चंस मैच कर लें कि जितने क्वेश्चंस राइट बन रहे हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो आपके मार्क्स हो जाएंगे और जितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं आपके उनको 0.5 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालें जो आपके मार्क्स बने 0.5 से मल्टीप्लाई करके उनको टोटल मार्क्स से डिडक्ट करें तो आपको जो स्कोर मिल जाएगा मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 75 मार्क्स से क्योंकि SPSC की मेरिट जो है ना वो बहुत ज़्यादा जाएगी टॉप टू बॉटम आएगी तो इसलिए मेरे हिसाब से 75 जो है ना मेरिट जरूर बनेगी म्यूनसिपल एंड टाउन ऑफिसर की। आप देख रहे हैं जीके फोरम द हाउस ऑफ नॉलेज एंड टेस्ट प्रिपरेशन एंड इट्स मी मंसूर मंसूर थैंक यू फॉर वॉचिंग काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल।
फॉर मोर अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट में जिससे आप जाएंगे आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, म्यूनसिपल ऑफिसर एंड टाउन ऑफिसर, टेस्ट प्रिपरेशन एंड सिंध जनरल नॉलेज अलग से, कंप्यूटर साइंस, इस्लामियात, फिर आप जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे हर सब्जेक्ट में मल्टीपल वीडियोज हमारी पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से वीडियोज देखें, बार बार वीडियोज को देखें, सुने और अपनी प्रिपरेशन करें और नोट्स बनाएं, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर टेस्ट।